तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स एनालिसिस। तो गाइस, आज मैं आपका जो टॉपिक है वो लेने जा रहा हूँ एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई फार्माकेमिस्ट और जितने भी 181 पोस्ट का जो नोटिफिकेशन निकला था जिसका पीएसटी हर एक जगह पर काफ़ी समय से कम्प्लीट हो चुका है, उसका रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपका एडमिट कार्ड कब आने हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको मैं एक लॉजिकली बात करूंगा, लॉजिकली ही आपको मैं बात समझाऊंगा कि इसका प्रोसेस अभी तक अंडर प्रोसेस है, क्यों इतनी देरी लग रही है। तो गाइस, आप भी समझ सकते हो मेरी बात से कि अभी एसएससी जीडी का फिजिकल कंडक्ट करवा रहे हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, हर एक सेंटर में आपके एग्जामिनेशन, आपका जो पीईपीएसटी जो हो रहा है एसएससी जीडी का वो कंडक्शन हो रही है। इसलिए वहाँ पर हर एक फोर्स से कुछ बटालियंस गई हैं वहाँ पे पीएसटी करवाने के लिए, इसलिए ये थोड़ा सा प्रोसेस में देरी हो रही है गाइस, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगस्त में आपका कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आएगा एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई फार्मा केमिस्ट और जितने भी जो पोस्ट निकले थे 181 टोटल पोस्ट निकले थे, ठीक है, जिसमें आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भी थी, एएसआई केमिस्ट भी थी, एसआई स्टाफ नर्स भी थी और भी 3 या 4 और थे पोस्ट, ठीक है। तो गाइस, इसलिए यही रीज़न है, लॉजिकली रीज़न मैं आपसे यही बताऊंगा दोस्तों, लॉजिकली रीज़न यही है कि इसका इसके जो है रिटन एग्जामिनेशन इसलिए कंडक्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी एसएससी जीडी का जो है पीईटी पीएसटी जो बच्चों के चल रहे हैं उस कारण हर एक फोर्स से जितने भी हमारी 7 या 8 पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वहाँ से कुछ बटालियन जा चुकी हैं वहाँ पर पीईटी पीएसटी को कंप्लीट करवाने के लिए, इसलिए आपका थोड़ा सा डिले हो रहा है आपके एडमिट कार्ड आने में। इसके अलावा और कोई भी मुझे तो नहीं लगता है कि और कोई भी आपका रीज़न हो सकता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, कुछ डिपार्टमेंटल रीजंस हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न मैंने आपको जैसे कि बता दिया अभी कि थोड़ा पीएसटी का चक्कर चल रहा है एसएससीजीडी का, और डिपार्टमेंटल रीज़न दोस्तों मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि डिपार्टमेंटल रीज़न जो होते हैं सो कॉल्ड ये जो होते हैं ये थोड़े से आपको कह सकता हूँ कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जो कि कभी भी कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कुछ भी श्योर नहीं करते हैं। इसलिए ये बात थी, आपके जो एडमिट कार्ड है वो फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स आपको आपके एडमिट कार्ड आपके ऑफिशियल वेबसाइट जो ssbrecruitment.gov.in उसके पर आपको मिल जाएंगे। सिंपली आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के आप सबमिट करके लॉगिन करोगे तो आपको आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जिन जिन बच्चों का पीईटी पीएसटी क्लियर हुआ, जिनके पास स्लिप है, फिजिकल की स्लिप है या स्लिप नहीं भी है, फिजिकल क्लियर हुआ है, तो उन सभी बच्चों का एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको आज मिल जाएगा, ठीक है। अभी देने से दोस्तों मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि एडमिट कार्ड तो बाद में ही आएगा ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स आपके एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, और भी इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है, ये एक लॉजिकली रीज़न था जो आपको पता है कि इसी कारण दोस्तों लेट हो सकता है, और डिपार्टमेंटल रीज़न अगर होंगे तो हमें उसका हमें नहीं पता है कि डिपार्टमेंटल रीजंस क्या हैं, ठीक है। और सीआईएसएफ के एडमिट कार्ड दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बता दिया है कि पिछली वीडियो आप मेरी देख सकते हो, सीएसएफ के एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आपको अपडेट दिया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए 24 घंटे के लिए खुला हुआ, 24 क्या हमेशा खुला रहेगा, आप वहां पे कमेंट कर सकते हो। और अगर मेरी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इस वीडियो के माध्यम से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में सब्सक्राइब बटन के साथ में घंटी आइकन होता है उसको दबाना मत भूलिएगा, तभी मैं कोई भी आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वीडियोस दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे आप मेरी आने वाली वीडियोस को देख सकोगे। तो गाइस, मेरा एक यही मोटिव रहता है कि आपको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ इस चैनल के माध्यम से, बिल्कुल रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊँ कि क्या रीज़न है कि हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई या एएसआई फार्माकेमिस्ट या फिर स्टाफ नर्स के एडमिट कार्ड में देरी है। यही रीज़न है जो मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी पैरामिलिट्री फोर्सेस थोड़ा सा अभी बढ़ चुकी है एसएसजीडी की कन्वर्ट आपका जो पीईटी पीएसटी करवाने के लिए। सीआईएसएफ का बहुत बड़ा रोल है, आपको जैसे कि पता है एसएससीजीडी की जो सीआईएसएफ ही करवा रही है काफ़ी जगह पे, ठीक है, और टाइम पूरा मिल रहा है आपको पता है, 5 किलोमीटर का टाइम पूरा मिल रहा है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि 5 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर 50-100 मीटर हो, 50-200 मीटर हो, ये हो सकता है 19-20 चलता है, लेकिन समय पूरा मिल रहा है, ठीक है। समय के लिए कोई टेंशन नहीं, कोई पाबंदी नहीं, 24 मिनट के अंदर चाहे आप पहले आओ चाहे लास्ट में आओ, आपको 24 मिनट के अंदर आना है।
तो मेन टॉपिक दोस्तों मैंने आपको कवर कर दिया है कि इसका एडमिट कार्ड आने में क्यों देरी है, और हम आशा करते हैं आपको हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही लगी होगी। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद एंड जय भारत।